ईशान की होने वाली है शो में वापसी, कितनी सच्चाई है इस न्यूज़ में, आइए जानते हैं मेरे साथ। फिलहाल दोस्तों आने वाले एपिसोड्स में आप लोग देखेंगे कि सवि जो है वो रजत को बोलने वाली है कि तुम अपनी बच्ची का ध्यान क्यों नहीं रख रहे, यहाँ पर इतनी भी लापरवाही अच्छी नहीं है कि तुम अपने काम में ही इतने मगन हो गए हो कि तुम्हें अपनी बच्ची का ही ध्यान नहीं है। और यहाँ पर रजत जो है वो सवि को ही उल्टा डांटता हुआ दिखेगा कि यहाँ पर दोस्तों सवि को वो बोलेगा कि तुम अपने काम से काम रखो, अगर तुम्हारे बच्चे नहीं है तो दूसरों के बच्चों के मैटर में बोलने का तुम्हें कोई भी अधिकार नहीं है। तो दोस्तों इनकी भी यहाँ पर अनबन ही रहने वाली है जैसे ईशान और सवि की रहती थी, लेकिन यहाँ पे दोस्तों शो के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक करेक्टर ऐसा थोड़ा सा चुलबुला सा उनको दिखाना चाहिए था मेकर्स को, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही सीरियस करेक्टर दिखा दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे सभी भी अब चुलबुलापन उसमें नहीं है और यहाँ पे जो रजत है वो तो बहुत ही ज़्यादा खड़ूस है, वो अपनी बच्ची के प्रति भी यहाँ पर जो है वो उसकी केयर नहीं कर रहा है। तो दोस्तों देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा कि किस तरह से मेकर्स जो हैं आगे स्टोरी को लेकर चलते हैं। वहीं बात करें अगर ईशान की वापसी की तो दोस्तों बहुत ही असंभव बात है ये कि ईशान की वापसी हो जाए शो में, क्योंकि मेकर्स ने कुछ सोच समझ कर ही उनको एग्जिट करवाया है शक्ति अरोड़ा को, और यहाँ पर बहुत ही गलत डिसीजन रहा है उनका एग्जिट होने को, कि TRP में दोस्तों यहाँ पर बहुत ज़्यादा गिरावट आ चुकी है। और शक्ति अरोड़ा की वापसी दोस्तों इस पॉइंट पे अगर मेकर्स ले आते हैं तो शो की TRP में ऑफकोर्स यहाँ पर अप आएगा, लेकिन अभी यहाँ पर डाउन है शो की TRP में, क्योंकि शक्ति अरोड़ा नहीं है और उनकी आने की वापसी दोस्तों आने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा कम रह गए हैं। आप लोगों का क्या ओपिनियन है, शक्ति अरोड़ा को वापस आना चाहिए या नहीं, आप अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। तो यहीं तक था दोस्तों आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, धन्यवाद।